हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मेरा ये सेकंड है, जैसे रेगुलर वर्ड है और स्ट्रॉन्ग डिग्री वर्ड है, जैसे कि सब सरप्राइजिंग, आप किसी को सरप्राइज दे रहे हो। एस्ट्रॉन्डिंग भी आप बोल सकते हो, हाई डिग्री वर्ड में आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। एस्ट्रॉन्डिंग मीन्स सरप्राइजिंग। ओके, तो दिस इज द अनदर वर्ड यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ सरप्राइजिंग। आप सरप्राइज की जगह आप एस्ट्रॉन्डिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग डिग्री वर्ड्स को बोला जाता है। रेगुलर वर्ड से डिफरेंट होता है ये, बहुत आ करेक्ट, बट यू कैन यूज स्ट्रॉन्ग डिग्री वर्ड इंस्टेड ऑफ रेगुलर वर्ड, दैट वे स्ट्रॉन्डिंग आप यूज कर सकते हो। सरप्राइजिंग बाद मेरा रेगुलर वर्ड है बैड। बैड मतलब बुरा, बुरा। बैड बोलने से बेटर है आप टेरेबल यूज़ करो। टेरेबल जो है वो भी स्ट्रॉन्ग डिग्री वर्ड है। आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है उसमें इंस्टेड ऑफ बैड हम टेरेबल वर्ड यूज़ करते हैं। टेरेबल इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग डिग्री वर्ड विच यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ बैड। बुरा किसी को बोलना तो आप उसको टेरेबल बोल सकते हो, हाउ टेरेबल ही इज, है ना, इतना बुरा है ऐसे। उसके बाद में नेक्स्ट है मेरा डर्टी। डर्टी मतलब गंदा। सी, बुरा और गंदा बहुत डिफरेंट है। वह बोलेगा बैड मतलब गंदा ना, गंदे का मतलब होता है डर्टी। डर्टी को आप फिल्टी भी बोल सकते हो। दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट है हैप्पी। हैप्पी की जगह आप जुबलेंट भी बोल सकते हो। हैप्पी इंस्टेड ऑफ हैप्पी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, जुबलेंट। वर्ड है मेरा, जैसे कि अगर आपने बहुत पेट भरा हुआ है आपका, तो आप बोल सकते हो आई एम फुल। नॉर्मल इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम स्टफ।
साउंड्स फेमिलियर होता है, तो साउंड्स फेमिलियर की जगह आप रिंग का बेल भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हैव अ नाइस डे, तो हैव अ नाइस डे की बजाय हैव अ गुड वन, और हैव अ ग्रेट डे, हैव अ सुपर्ब डे, हैव अ यू नो ग्रेट डे, हैव अ सुपर्ब डे, हैव अ रॉकिंग डे, आप ये सब बोल सकते हो। अभी जैसे कि किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, आपको बोलना है कि ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, तो आप बोल सकते हो ही इज़ एब्सोल्युटली लोडेड, है ना, बहुत पैसे वाला है, तो आप उसको बोल सकते हो ही इज़ एब्सोल्युटली लोडेड। Thank you for watching my YouTube channel. See you soon with a new video. Bye.